गाइस 2020 तो सबको याद ही रहेगा, लेकिन इंडोनेशिया के 33 वर्षीय जोशो होतांगलुंग को 2020 ने करोड़पति बना दिया। बात यह है कि जोशो होतांगलुंग के घर पर अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड गिरा। विशेषज्ञों के अनुसार यह करीब 4.5 अरब साल पुराना है और इसका वजन 2.1 किलोग्राम है। उल्कापिंड की कीमत विशेषज्ञों के अनुसार 13 करोड़ है। गाइस इंग्लैंड के किंगडम में एक शख्स ने 157 बार फेल होने के बाद 158वीं बार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्निंग टेस्ट पास कर लिया है। इस दौरान इस शख्स ने आवेदन फॉर्म भरने पर करीब 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। गौरतलब है कि शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना होगा। इस पटना विहार के गांव में एक शख्स की मौत के बाद ग्रामीण उसके अंतिम संस्कार के लिए जरूरी पैसों के लिए उसकी अर्थी को लेकर बैंक पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि मृतक का कोई भी नज़दीकी परिजन नहीं था और उसके बैंक खाते में 1,18,000 रुपये थे। इसके बाद बैंक मैनेजर ने CSR फंड से 10,000 रुपये निकाल कर दिए। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। शहद प्रकृति की बहुत ही सुंदर और मीठी देन है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है दादी भनी, जो सीधा मधुमक्खियों के छत्तों से निकलकर आपकी चम्मच तक पहुँचता है बिना किसी मेडिकल प्रोसेस या मिलावट के। यह आपको कच्चे शहद की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। आप इस पर भरोसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यह देश के बाहर भी जाता है और इसको जर्मन की लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा चुका है।